दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप सेल्फी लेने के शौकीन हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा का पूरा देखें। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या और कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपकी फ़ोटो को चार चांद लगा देगा, इतनी खूबसूरत बना देगा जो कि और कोई ऐप या फिर और कोई कैमरा नहीं बना सकता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा और कोई भी आपका फ़ोटो देखेगा तो मतलब कि वो ज़रूर पूछेगा कि कैसे इतना प्यारा फ़ोटो आ गया, तो मुझे भी बताओ। और अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे डीपी भी लगाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और कोई भी आपका एक बार व्हाट्सएप पे डीपी या फिर अपलोड करेंगे जहां, वो एक बार आपका दो मिनट ठहर के देखेगा कि हाँ कितना प्यारा फ़ोटो आया है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें कि आप जान सकें कि कैसे करना है और कहां से करेंगे कि ऐसा फ़ोटो आ सके। और अगर लो क्वालिटी का कैमरा है तो भी आपका फ़ोटो है जो है वो बहुत ही प्यारा आएगा। जैसे कि कोई कोई फ़ोन में होता है कि मतलब लो क्वालिटी का कैमरा होता है और उसमें फ़ोटो जो है वो बढ़िया नहीं आता है, फिर भी आपको मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आप अपना फ़ोटो जो है बहुत ही खूबसूरत ला सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसी नए और इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों यहाँ पर एक शेयर का बटन है, इस पर जाकर आप अपने फेसबुक फ्रेंड और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी जान सकें। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर दोस्तों बगल में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक बेल आइकन भी है, तो इसे भी आप दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पर एक कॉमेंट कर देना है जैसे कि नाइस, ऑसम या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम जानते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में कि क्या है और कैसा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को चलिए हम ओपन करते हैं। और इस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि आपको ये एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा और कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी जो है इसकी इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से आ गई है और हमारा कैमरा जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे आपको ये जो है नीचे मिल रही हैं, ये फिल्टर्स हैं जो कि आप फ़ोटो अपना खींचेंगे तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना देगी आपकी फ़ोटो को। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए हमारा डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर अगर हम चेंज करना चाहें, अपनी फ़िल्टर्स बदलना चाहें तो देखिए जैसे कि ये मेरा हाथ है और उसके बाद यहाँ पर हम अगर चेंज करें तो ये देखिए हमारा जो है कितना क्लियर जो है वो फ़ोटो आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत आपका फ़ोटो आएगा। और कोई भी देखेगा तो वो ज़रूर बोलेगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना प्यारा फ़ोटो कैसे आ सकता है, मुझे भी बताओ, ज़रूर बताओ, मुझे भी जानना है। और इसमें दोस्तों आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग इसका जो है आप कितना इसे रखना चाहेंगे वो सब आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारी यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स मिल जाती हैं जो कि आप अपने फ़ोटो पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर कैंडी है और यहाँ पे सिप है, लव, एलसी, विंटर, बहुत सारी इसमें फ़िल्टर्स हैं, बहुत ही प्यारी आपकी फ़ोटो आएगी अगर इस एप्लीकेशन से आप फ़ोटो जो है वो अगर क्लिक करते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर आप कहीं भी अपना मोबाइल रख कर और यहाँ से टाइमिंग सेट कर और जाकर वहाँ से आप फ़ोटो ऑटोमेटिक जो है वो क्लिक हो जाएगा और आपका मोबाइल जो है कहीं भी रख कर और यहाँ से टाइम सेट कर और अपना फ़ोटो जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो है ब्राइटनेस कम बेसी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं। ये देखिए आपको अपने स्क्रीन पे एक बार टच करना है तो ये जो है ब्राइटनेस का आ जाएगा।
ओके दोस्तों। और भी इसमें यहाँ से आप पे फ्रंट कैमरा जो है वो ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसमें आपको सेटिंग्स वगैरह ये सब मिल जाती हैं यहाँ पर इसकी फुल स्क्रीन करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आप कर सकते हैं, और यहाँ पर फुल हो गया, और यहाँ पर आपका जो है फ्लैश लाइट जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ सेटिंग्स क्रॉप। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। और दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन अच्छा लगा और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का जो है वो लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर आपको इस एरो पे जाना है, यहाँ पर इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऐप डाउनलोड लिंक देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं आप तो डायरेक्ट आप चले जाएंगे इस एप्लीकेशन के पास, और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।